आज मैं लाई हूँ भुने चने की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। मतलब घर पर आप कैसे रोस्ट कर सकते हो और भुने चने बना सकते हो। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आया इसको बनाने में मुझे तो। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप काले चने लिए हैं। इसको काले क्यों बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, कलर तो ब्राउन ही रहता है, मैं इनको ना ब्राउन चने बोलती हूँ। 1 कप लिया, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी जस्ट हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी डालना है, और 1 चम्मच पानी डालना है आपको। और इसको मिक्सअप करके और आधे घंटे के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर डस्ट रहती है, आप पहले ना कपड़े से इनको पोंछ दीजिएगा, उसके बाद आप नमक हल्दी पानी डाल के इसको आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद आपको थोड़े से ये ड्राई दिखेंगे, मतलब स्किन जो है ना इनकी, पहले हमने उनको थोड़ा सा गीला किया स्किन को, अभी ड्राई हो चुकी है। अब आपको एक कढ़ाई में लेना है नमक, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा नमक लिया है। नमक को बहुत अच्छे से गर्म करना है, ऐसे आप टच करके देखिएगा ऊपर से ऐसे, मतलब ना तो आपको एकदम गर्म गर्म सा फील हो। उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े चने डालते जाएगा और इसको रोस्ट करते जाएगा। फर्स्ट बैच में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जो सेकंड बैच आप बनाओगे ना, तो उसमें ना बहुत फटाफट से ये चने जो है फुट फुट होने लगते हैं, क्योंकि पहले वाले में ना थोड़ा सा टाइम लगता है नमक को सेट होने में। अब आप देखोगे ना आधे मिनट के बाद ही, ये ना आधे पौन मिनट के बाद आपको फूटते हुए नज़र आएंगे, आप देख पाओगे खुद ही। और इसको ये जो फूटते हैं ना देखने में बहुत मज़ा आता है, इसको बनाने में मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आपने भी अगर कभी घर पे इस तरह से नहीं ट्राई किए ना, तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा बना के, और ये खाने में भी बहुत मस्त लगते हैं। और आप सोच रहे हो कि नमक में रोस्ट करें तो बहुत सॉल्टी हो जाएंगे, बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है, इवन आपको फीके लगेंगे खाने में, नमक बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बस इसको रोस्ट करते जाना है, हिलाते जाना है, जब तक कि सारे चने जो है अच्छी तरह से फूट नहीं जाते हैं। और जैसे ही आपको लगे बहुत अच्छे से सब फूट चुके थे, छन्नी में आप इसको निकाल लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके मुझे सिटी का नाम ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये जो चने हमारे भुन रहे हैं। तो ये फर्स्ट बैच है मेरी, फर्स्ट बैच में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट सेकेंड बैच भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि फटाफट मैंने डाले और कुछ ही सेकेंड्स में ना फूट फूट होना स्टार्ट हो गया। तो ये रही फर्स्ट बैच मेरी। उसके बाद जब मैंने सेकंड बैच डाली ना, नमक ऑलरेडी बहुत अच्छे से गर्म था, तो बस मैंने मिक्सअप ही किया और फटाफट से ये जो चने हैं ना फूटने लग गए, और देखने में ना बहुत मज़ा आया। तो मैंने काफ़ी सारे चने बनाए, बहुत मज़ा आया, मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद है, और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगे दिन में ना नाश्ते में, तो आप ये थोड़े से चने खा लीजिएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत मस्त होते हैं खाने में भी, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, पेट भी भरता है इनसे और प्रोटीन से भरपूर भी है। और देखिए कैसे फूट रहे हैं ये पॉपकॉर्न की तरह, देख के तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, घर पे बनाइए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एकदम सिंपल सी इजी सी रेसिपी है, जो कि दिखने में ना एकदम मैजिकल सी लगती है, तो पहली बार बनाओगे तो मैजिकल ही लगेगा ये, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको बना के, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहे गुरु जी।